हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने स्कूल ग्राउंड में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी, एचआरडीसी के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री, प्रदेश सचिव विजयपाल सुहारू के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये अंतिम प्रसारण था, क्योंकि इसके बाद चुनावों को लेकर आचार संहिता लग जानी है और आचार संहिता के चलते इस तरह के प्रसारण पर रोक होती है। मन की बात कार्यक्रम के बाद हमीरपुर के सांसद और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के साथ चल रहे रिश्तों को लेकर कहा कि बीसीसीआई को तय करना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आईसीसी के चेयरमैन भी इस समय भारतीय हैं, जिनको अब ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ भारत को खेलना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमीन को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब जानते हैं। बीसीसीआई को तय करना है और आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर हिंदुस्तान से ही है और वो भलीभांति जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन को आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारत का पक्ष आईसीसी में सही ढंग से रखा जाए वो बीसीसीआई भी करे और आईसीसी के चेयरमैन एक भारतीय होने के नाते बाकी देशों के सामने भी ये बात रखें कि जो देश अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए बढ़ावा देता है क्या दुनिया भर के देशों को उनके साथ खेलों के भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठगबंधन करना बुरी बात है। उन्होंने कहा कि जब देश के ठग इकट्ठे हो रहे हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लग रहे हैं तो वे एक ईमानदार सरकार और नेता पर कोई टिप्पणी करें ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है और जनता को क्या करना है ये उन्हें भलीभांति मालूम है, इसलिए एक दूसरे की बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं। गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठगबंधन करने में बुराई है। जब ठग इकट्ठे हो जाएं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर लगे, अब वो इकट्ठे होकर ईमानदार सरकार और नेता को अगर घेरने की तैयारी करते हैं तो देश की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है क्या करना है। एच टुडे के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।